क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग टू में अगर हम यहाँ पर अब बात करें प्रिपरेशन के बारे में, तो कनाडा, ओमान और नेपाल की इस सीरीज की हम बात कर रहे हैं। नाइबिया, यूएसए, यूएई भी उसी डेट से शुरू होने वाला है 16 सितंबर से। ओमान की प्रिपरेशन की यहाँ बात इसलिए भी यहाँ पर करनी होगी क्योंकि ओमान की जो शुरुआत है वो बहुत ज्यादा खराब रही थी। क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग टू की अगर बात की जाए तो फिलहाल वो छठे नंबर पर है, 4 मैचेज उनके यहाँ पर हुए, छठे नंबर पर वो है और एक मैच उन्होंने नाइबिया को हराया था और एक मैच बारिश की वजह से जो है वो डकवर्थ्यूज तो लगा ही नहीं, कॉल्ड ऑफ होगी क्योंकि वो सही नहीं थे, कॉल्ड ऑफ हो गया और एक पॉइंट उन्हें वहां पर उसका मिला, 3 पॉइंट के साथ छठे नंबर पर है। शुरुआत उनकी भी अच्छी हुई नहीं है, लेकिन हमें एक चीज और देखनी पड़ेगी कि वो यूरोप में गए हुए थे और यूरोप में जब एशियन टीम जाती है तो वैसे ही उनका हालत जो है वो खस्ता रहती है, चाहे फुल मेंबर्स की टीम ही क्यों ना हो। ज्यादातर टीमें जो जाती है यूरोपियन कंडीशंस में इतना आसान होता है नकल करने के लिए, लेकिन अब यहाँ पर बात करें तो कनाडा में वैसे तरह के एटमोसफेयर, वैसे कंडीशन हमें देखने को नहीं मिलेगी। कंडीशन क्या कुछ रहेंगे तो बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल प्रिपरेशन के लिहाज से अगर देखें तो ओमान की प्रिपरेशन क्या चल रही है, अगर आप बताना चाहेंगे इस कनाडा टूर के लिए। नहीं, जरूर देखिए, ओमान ने तो जो वर्ल्ड क्रिकेट लीग टू खेला था वो तो सबके सामने ही था, 4 ODI वहां खेले, वो भी एक अच्छे मैच थे क्योंकि सामने स्ट्रॉन्ग टीम थी तो थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस भी हुई, बिल्कुल क्वालिटी मैच है और बहुत सब कुछ दाव पे लगा हुआ था वहां वर्ल्ड क्रिकेट लीग टू के मैच में, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट हुआ, फिर प्लेयर्स लोग इकट्ठा हुए, सारे तो नहीं लेकिन मोस्टली 80% प्लेयर्स जो ओमान नेशनल टीम में हैं वो ओमान ए साइड में इकट्ठे हुए और उन्होंने यूएई ए के खिलाफ 4 वनडे मैचेस खेले 50 ओवर के, जिसकी अपडेट हमने आपको टाइम टू टाइम दी हुई थी। तो वहां पर उस ओमान ए में काफी प्लेयर्स थे जो ओमान की नेशनल साइड में रहे हैं, जिन्होंने उस जो कनाडा जाएंगे, बिल्कुल, और कनाडा भी जाएंगे, जी हाँ ऑफकोर्स वो भी वहां पर पहुंचे रहेंगे उस टीम में 15 स्क्वाड में। तो इन प्लेयर्स की प्रैक्टिस अभी हाल ही में देखे तो काफी बेहतर हुई है और एक नाम जो कि थोड़ा सा काफी टाइम से जो बाहर चल रहे हैं, जी हाँ, जसविंदर सिंह की हम बात कर रहे हैं, उनका थोड़ा परफॉर्मेंस यहाँ बेटर होता हुआ नजर आया है जरूर। क्या टीम उन्हें लेगी नहीं लेगी, क्वेश्चन बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है क्योंकि कश्यप प्रजापति, प्रतीक अथावले जैसे ओपनर है, इनको अब लगातार मौके दिए जा रहे हैं, तो क्या जतिंदर को वापस से लिया जाएगा कि इसीलिए कि उन्हें यूएई के खिलाफ 4 मैचों में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ये देखना थोड़ा सा अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो नजर आया है और सीनियर प्लेयर्स का परफॉर्मेंस जो है वो इतना अप टू द मार्क यहाँ पर भी नहीं था, ये हम जरूर कहेंगे, ऐसा नहीं था कि हाँ सब कुछ चेंज हो जाएगा सब कुछ, लेकिन चलिए बहुत बेटर रहा कि यहाँ गेम्स प्रोवाइड हुए ओमान को, खासकर ओमान के जो प्लेयर्स हैं, क्योंकि ओमान थोड़ा सा परफॉर्मेंस में अभी लैक कर रहा है, तो उनके लिए बहुत बेहतर है कि ये जो गेम हुए हैं ओमान ए वर्सेस यूएई ए का दौरे से पहले, और बहुत अच्छा रहा कि यहाँ ओमान के प्लेयरों ने बॉलिंग कराई, बैटिंग की 50-50 ओवर के, और यूएई ए में भी ऐसे कोई प्लेयर नहीं थे कि यहाँ डोमेस्टिक के उठाकर लेकर आ गए हो तो बहुत ईजी रहा हो, नहीं, आपने देखा ही होगा यूएई ए में भी नेशनल प्लेयर्स थे, ओमान ए की तैयारी के लिहाज से ये काफी बिल्कुल, ये 4 मैचेस कराए गए यूएई ए वर्सेस ओमान ए, ये बहुत अच्छा कहीं ना कहीं ओमान ने कराया कि 4 मैचेस खेले उन्होंने, क्या यूएई ए की इन्वॉल्वमेंट थी क्योंकि वो भी नाइबिया जा रहा है उसके हाथ से, और ओमान ए की इन्वॉल्वमेंट थी कि उन्हें कनाडा जाना है उसके हाथ से, कुछ जो उनके प्लेयर्स हैं उन लोगों को यहाँ प्रिपरेशन मिल जाए। और हैरानी नहीं होगी कि अगर सीधा सीरीज से पहले कैनेडा 11 के खिलाफ या कैनेडा 1 के खिलाफ ओमान जो है एक आध कोई मैचेस वगैरह प्रैक्टिस मैच के तौर पर हमें उससे पहले खेलता हुआ नजर आए, क्योंकि हमने देखा था जब ओमान स्कॉटलैंड गई थी तो वहां भी हमें 2 प्रैक्टिस मैचेस स्कॉटलैंड 11 के खिलाफ हमने खेलते हुए वहां देखा था, तो क्या इस तरह की चीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल, काफी लंबा वक्त रहेगा वहां जाकर, थोड़ा वहां का कंडीशन वगैरह जानने के लिए 1-2 प्रैक्टिस मैच कनाडा 11 या 1 के खिलाफ खेला जा सकता है। बिल्कुल सही कहा है आपने, बिल्कुल उम्मीद है कि ये होने की चांस, करना भी चाहिए, और बिल्कुल है क्योंकि देखिए यूएई में जा रहा है नाइबिया, तो वो नाइबिया से कुछ ए साइड के खिलाफ 3 मैच खेलेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उस कंडीशन में जाकर या 50 ओवर का, क्योंकि T20 और 50 ओवर में जमीन आसमान का फर्क है, तो 50 ओवर के मुताबिक आप ढले, पिच कैसा माहौल है, कंडीशन वेदर कैसा है, इसके अकॉर्डिंग ढलना बहुत जरूरी है। तो बहुत उम्मीद है कि ओमान ऐसे ही नहीं रहेगा, वहां जाकर एक आध गेम जरूर खेलेगा, कनाडा 11 हो या हॉस्टल यूरिकेन्स हो या कोई भी और लीग क्लब की टीमें हो उनके खिलाफ 50 ओवर के गेम, लेकिन उम्मीद है कि कनाडा 11 के खिलाफ, क्योंकि कनाडा 11 है भी, कनाडा की ए साइड भी है वहां मौजूद, तो उनके खिलाफ गेम खेलता हुआ हमें नजर आए। बिल्कुल, और अगर इस तरह का कोई प्लान नहीं है तो डेफिनेटली प्लान करना चाहिए, डेफिनेटली प्लान करना चाहिए कि एक या दो, एक नहीं कम से कम 2 प्रैक्टिस मैचेस कनाडा 11 या कनाडा 1 के खिलाफ जरूर जरूर ओमान को खेलनी चाहिए। तो ये प्रिपरेशन है ओमान की इस टूर से रिलेटेड, और जो हमने अपडेट आपको सारी इस वीडियो के थ्रू प्रोवाइड कराई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बंद रहे बाकी टीम्स के प्रिपरेशन के बारे में बात भी करेंगे, नाइबिया यूएई इन टीम्स की प्रिपरेशन किस तरह चल रही है अपने राउंड्स के लिए उसके बारे में भी आगे बात जरूर होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, सब्सक्राइब
अभी कभी कर लीजिए, क्योंकि लगातार मैचेस आ रही है, सबकी कवरेज आपको क्रिकेट चैनल पर लगातार मिल जाएगी।